आपको बताएंगे कि वजीर दाखिला शेख रशीद की H8 कब्रिस्तान में आमद हुई है, वहां वो पहुंचे हैं। शेख रशीद ने अब्दुल कदीर खान के लिए खोदी जाने वाली कब्र का मुआयना किया है। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। फैमिली की प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि फैसल मस्जिद में भी हो, और फैसल मस्जिद में भी इंतजाम हैं और H8 उनके फैमिली सो दोनों तरफ कब्रें तैयार कर रहे हैं। सो 2-3 बजे फैसला हो जाएगा, उनको पूरे एजाज के साथ दफनाया जाएगा, पूरे एजाज के साथ उनकी नमाज जनाजा होगी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, चारों फौजों के अहबाब आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिदायत की है तमाम वज़ीरों को यहाँ पहुंचे, चेयरमैन सेनेट आएंगे, स्पीकर आएंगे, सब लोग नमाज जनाजा में शरीक होंगे, क्योंकि शरी तौर पर अब उनकी औलाद का फैसला है। दोनों तरफ CDA जो है वो इंतजाम कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो मावन है। और सर आप मुतमईन हैं इंतजाम इन शाह। रशीद कब्रिस्तान पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जाके कब्र का मुआयना किया है। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से वफाकी वज़रा को, चेयरमैन सेनेट और दीगर जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं उनको ये हिदायत की गई है कि कब्रिस्तान और दीगर मामलात में तमाम तैयारियों में भी साथ दें, इसके साथ साथ जनाजे में भी शिरकत करें, तस्फीन के अमल में भी शरीक हों।